نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک والا علی کا و اصحابی کا یا सैयदी या हबीब अल्लाह पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सिद्दीकुहु अहलुस्सफा फारूकुहु ज़ुल्लिज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हयाल मुर्तज़ा बहरुल करम बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली बलगल उला बि कमाल ही कशफत दुजा बि जमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही पढ़िए सल्लू अलैहि वासाबी करीम कायनात दी हमदो सना तुबाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आप दी ज़ाते मुबारका ते हदिया दुरूद शरीफ पेश करने तो बाद वाजिबुल एहतराम जितने बुजुर्ग नौजवान उशाक उस शरीफ की इस खूबसूरत तकरीबे सईद के अंदर बंदा गुनाहगार समेत हाजिर ने अल्लाह वादा हु ला शरीक सब दी हाजरी नू अपनी बारगाहे मुकद्दिसा दे अंदर कबूल फरमाए हजरत साहिबजादा पीर तरीक़त तो खादमे शरीयत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद गफूर शाह साहिब सीधा मजदू दीगर उलमाए किराम नात खाना ने शीरी लिशा और जितने तुसी मोहब्बत वाले अहबाब हाजिर हो अल्लाह वादाहू ला शरीक तुहानू रसूलुल्लाह दे दीन दे उत्ते सही इस्तकामत नाल जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए मोहम्मद सकलैन भट्टी साहब और दीगर जेड़े भाई अताउल्ला साहब जिन्होंने इस माफले पाक दा बड़ी मेहनत नाल प्रोग्राम सजाया रामा जाहिद साहब भी बैठे ने ये भी माशाल्लाह मोहब्बत वाले ने साडे इलाके दे बड़े खूबसूरत मुजाहिद ने दीन दे अल्लाह इन्हां दी बरकतां नाल माला माल फरमा तो भाई साहब मैं मुख्तसर चंद गुजारिशात अर्ज करके फिर अगर तुसी ये सिलसिला मुहब्बत अगर चलाना होया तो ठीक है वरना दुआ खैर हो जाए दीन हर फर्द वाहिद कोलों कुर्बानी दी डिमांड करता है की करता है तुसी बोल दे रहो नाल जिथे तुहानू बुलाया जाए तुसी जबान हिलाया करो दीन की करता है कुर्बानी दी जब तक कोई शख्स दीन वास्ते अपने आप नू कुर्बानी दी हद तक पेश न करे तो वो इंसान कदी भी दीने इस्लाम दे नेक मकसद दे उस आखरी मराहल तक पहुंच नहीं सकता थोड़ा रास्ता कठिन होता है मुश्किल होता है और इस दौर के जो जदीद ज़राए ने उन्हां दी वजह तो कुछ मरहले और मुश्किलात का शिकार हो गए उसकी वजह है वे भाई साहब
कि लोग नेकी दी दावत देन आले घट गए ते शैतान दे राल बुलान आले वध गए। अगे सिर्फ बंदियां दे आ बुलाया बंदे जांदे आए, हुण कुछ जदीद ऐसे जराए आ गए कि बंदियां नूं होका लाण दी लोड़ कोई नहीं, अंग्रेजां दे दित्ते होया पुरजे ही सानूं उस राह ते आसानी नाल ला छड़िया। और उस शैतानी असी पुरजे दा बेजा और बेहद इस्तेमाल भी करने हैं और अपना कीमती वक्त अबलीस दे उस नुमाइंदे ते सरफ भी करने हैं और जाया भी करने हैं। काश इस कौम नू समझ आ जाए कि अंग्रेज दे बनाए हुए पुरजियां विचों शैतानी वसवसे नसीब आते हैं ते कुरान पढ़न नाल रब वादा हू ला शरीक दी कुर्बत नसीब आती है। काश इस कौम नू समझ आ जाए कि बुजुर्गां दे जो रूहानी मकासद सन और उन्होंने उन्होंने मकासद तो बाद रूहानी फैज हासिल होए ने जो दीनी मकासद सन, सानू काश उन्होंने दे मकासद की समझ आ जाए ताकि साड़ी जिंदगी भी उन्होंने रूहानी रस्ते की तरफ चल निकले। सानू बुजुर्गों के उस पैगाम की अगर समझ आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी ऐ शैतानी सोच का शिकार होए, बल्कि हर कोई अगर बुजुर्गों के सोच और बुजुर्गों के अफकार और बुजुर्गों के किरदार से चल निकले तो हर बंदे दे जहन के अंदर रहमानी सोच आ जाए और हर बंदा दूसरे बंदे नूं रसूलुल्लाह दे दीन दी तरफ बुलांदा या नज़र आए और हजूर दे दीन दी बरकत नाल अल्लाह और उसका रसूल सारिआं ते राजी हो जाए। लेकिन भाई साहब उहदे वास्ते किसे ना किसे नूं अपने आप नूं कुरबान करना पैणा है, उहदे वास्ते किसे बंदे नूं बरादरी नाल लड़ना पैणा है, उहदे वास्ते किसे एक बंदे नूं अपने बेली यार वजाने पैणे ने, उहदे वास्ते हो सकदा है सके बिरा नूं वी छड्डणा पै जाए, उहदे वास्ते हो सकता है किसी नूं अपनी जमीन अपने कारोबार अपनी जायदाद अपने बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जेड़े अबाओ अजदाद की विरासत है उहदे चों महरूम होना पवे। तो भाई साहब जगर दीन वास्ते सारिया कुरबानियां भी देनिया पौन तो पिछा ना हटिया जे, क्योंकि यह सुन्नत मौला हुसैन आप करके विखाई है। जी भाई साहब समझ आई गल? तो कुरान मजीद की जी आया मुबारक में पढ़ी है एक मौजू है कुरबानी का भी है। अल्लाह फरमा दे ना महबूब फरमा दीजिए इन्ना शक नहीं करना सलाती तुहाडी नमाज व नुसुकी तुहाडी कुरबानी व महया या तुहाडी जिंदगी व ममाती तुहाडी मौत ए सारा टन्योर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन किदे वास्ते अल्लाह वास्ते। नमाज और कुरबानी का सराहतन जिक्र होया, फिर जिंदगी और मौत के दौरान का जितना टन्योर है जिंदगी तो लैके मौत के आखिरी अयाम और मौत तो बाद आए दौर तक ये सारे दौर का जिक्र होया। अल्लाह फरमाया जीना भी हाँ तो अल्लाह वास्ते, जो मरे तो भी अल्लाह वास्ते, जे तेरी जिंदगी नसीब हुई है तो जिन्ने दिहाड़े इन्नी रब वास्ते, तो जे मरण का वेला आ जा भी तेरा दिल हो मैं हुण जान देवा बंदे वास्ते ना देई, उदों भी जे देण दा वेला भी तो रब वास्ते देई, ताकि मरने वाले नूं मरण तो बाद इस गल की कबर च पता लग जाए बस जान जिन्ह वास्ते दित्ती है ईसाइया सीने नाल ला के करम ही फरमा छड़े, बेली यार सज्जन वास्ते दित्ती हुई तो पता नहीं कम ना आए। भाई साहब जे रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते दित्ती हुई तो इंशाल्लाह इस उस जान तेरा नाम बाकी रहेगा, रसूलुल्लाह पहचान फरमा के फखर करेंगे मेरा काबले फखर उम्मती आया, और हजूर फरिश्तियां नूं फरमाएंगे पिछा हट जाओ मेरा गुलाम आया दराज सीने नाल लगन दिओ, उत्थे ये साडी मर्जी नाल इत्थे दी मर्जी नाल।
क्योंकि बंदा है मोमन दिशा रहा तो वड्डी मर्जी ये होनी है यार रब दा दीदार हो जाए या रसूलुल्लाह दे अलम नशरा दा सीना नसीब हो जाए दीदारे इलाही वास्ते। एक बारी हजरत जबरील ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क्या सी तवज्जो है भाई साहब तो हजरत इब्राहिम सुनिया बकरियां पे चरांदे है बकरियां दा रेवड़ सी ते आप उन्हां दी पहरेदारी फरमा रहे सन। एक बारी आवाज आई है जदों एक बारी आई है ते खामोशी हुई है ते अपने प्यारे रब दा नाम आया है ना ते रब दे महबूब बंदे आए अल्लाह दे प्यारे नबी आए ते अल्लाह दी बारगाह च हाथ चा के आंदे ने मौला तेरा नाम आया दिल ठर गया दिल बाग बाग होया है ते आवाज ला के आंदे ने बंदे आ रब दे आ जेड़ा भी है एक करी मेरे यार दा नाम मुड़ सुना है ना एक करी और सुना तवज्जो है ना भाई साहब एक करी और सुना मेरे रब दा नाम हजरत जबरील ने फिर पढ़न तो पहला फरमाया है अगे पढ़िया है अपनी मर्जी ना तवज्जो है जी बोलो तो सही ना भाई साहब अगे पढ़िया है इब्राहिम प्यारे अपनी मर्जी ना हुण जे तू सुनना है तो मुआवजा ले सा देना की आ फरमाया जो मंगे एक करी पढ़ उन आख्या बकरियां दा रेवड़ दुआ अद्धा मेरा अद्धा तेरा उन आख्या तैन दिता एक करी मेरे यार दा नां जप दे भाई साहब कुछ देना पौंदा है जी कुछ देना पैंदा है हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर फैदा रातों रात इनकलाब नहीं आंदे मेरे मुर्शिद मौला अली फरमांदे ने कि इम्तिहान जिड्डा रुतबा साई वड्डा किसे नु दिता होवे ना इम्तिहान भी रब ओडा वड्डा लैंदा है ते इम्तिहान अल्लाह उन्हां कोलों लैंदा है जेड़े ओदे प्यारे होण जेड़े ओदी लिस्ट च ना होण उन्हां कोलों रब इम्तिहान लैंदा नहीं अल्लाह अपने प्यारियां कोलों भाई साहब इम्तिहान लैंदा है ते मौला मुर्शिद फरमांदे ने मौला अली आप फरमांदे ने कि जदों अल्लाह इम्तिहान लैंदा है ना तो फिर जिस राह ते बंदा चल रहा होंदा है ओदे च रुकावटां आउंदियां परेशानियां आउंदियां परेशानियां दा शिकार होंदा है साईं फरमांदे ने जे किसे मंजिल दा इंतखाब करे ना बंदिया ते ओदे राह च कोई रोड़ा ना आवी तवज्जो है जे मंजिल दीन दी होवी ते सच्ची ते सुथरी ते खरी होवी ते जे तेरे राह रोड़ा ना आवी ते मुड़ समझी मंजिल सही नहीं इंतखाब होई मंजिल दा तायुन सही नहीं होया मुर्शिद फरमांदे ने फिर दोबारा मंजिल दा इंतखाब कर फिर जीरो तू मुड़ शुरू हो ते जदों उस राह टुरिया कोई डक्की ते मुड़ तू अल्लाह दा नां लैके डकीवें ना ते हालत ईमानी नाल खलोता रवे ते मुड़ मंजिल ताईं अपनेगा भी ते सही इंतखाब दी भी निशानदेही हो जाएगी तवज्जो है भाई साहब तो फरमांदे ने एक करी मेरे रब दा नां जप ना लै तुहाडे बोलण तो मैं सदके जावा सुभान अल्लाह अल्लाह की तारीफ ही है तुसी एक इस गल ते भी घबरांदे उच्ची आखो सुभान अल्लाह एक अल्लाह दा नबी है जिहड़ा हजरत जबरील नूं पे कहिंदे ने मेरे मेरे महबूब मेरे रब दा नां लै फरमाया देना की है उन्हें आख्या जो मंगे उन्हें आख्या रेवड़ दा फरमाया तेरा होया उन्हें फिर पढ़िया अल्लाह अज़्ज़वजल जदों दूजी री नाल है खामोश होए ना ते हजरत इब्राहिम ते रूहानी कैफियत तारी आई और रब दे पाक नाम दी जड़ी ओ दिल ते कारी जरब लगी ना ते ओ इश्क दा भांबड़ मचिया ते ओ जदों खामोश हो गए आ फरमांदे ने भाई बंदे एक बारी और उन्हें आख्या हुण की देसे फरमाया जी अद्धा है ना मेरे को जी तवज्जो अद्धा है ना जी सारा फरमाया भी तेरा होया सारा रेवड़ तेरा होया एक करी मेरे यार दा नाल है सारा रेवड़ कुर्बान कीता तवज्जो रखिया भाई साहब मैं वेखना बंदे केड़े ईमान साबत आले ने ते किन्ना दे दिल ते असर हो रहा मेरी गल दा अल्लाह दे प्यारे बंदे और अल्लाह दे नबी इब्राहिम दी गल और इश्क दी गल हो रही है गल जरा गौर नाल सुनना फरमाया सारा तेरा होया जदों सारा रेवड़ दिता ते हजरत जबरील फिर बोले अल्लाह अस्सबजल जदों तीसरी री ना लिया ते खामोश होए ते हजरत इब्राहिम फरमांदे ने ओ प्यारिया एक करी मेरे यार दा जड़ा होर लैके वेखी एक करी होर लई ते हजरत जबरील फरमांदे ने अगे ते दो वारी लिया ते रेवड़ आ हुण ते शाय ही कोनी रही हुण की देना है
तवज्जो है, इम्तिहान लैण वाला लै रहा है ते देण वाले दे रहे ने, हुण की देना है। फरमाया तेनू रेवड़ वाला, रेवड़ वास्ते बकरियां चराण वाला चरवाहा नहीं चाहिए। किसे इन्हां नूं चराणा भी तो है ना, किसे डंडा फड़ के इन्हां नूं सैडे लाणा भी तो है ना। उन्हें आख्या हाँ, उन्हें आख्या मैं आदर अगे रेवड़ दिता है, हुण बकरियां दा मालक भी तेरा होया, एक करी मेरे मालक दा नाम लै। तवज्जो है भाई, तो भाई साहब कुर्बानी देनी पौंदी। नबियां दित्ती है, वलियां दित्ती है, गौस कुतुब अब्दाल दे गए। कुर्बानी हर बंदे नूं देनी पौंदी है, और हर बंदे तो दीन कुर्बानी दी डिमांड करता है। तुसां इस मेले नूं उरस च तब्दील कीता है, तो जेड़े जेड़े बंदे इस मकसद शामिल होए ने उन्हें कुर्बानी दित्ती है। बंदियां उन्हां नूं गल्लां करनियां ने, जेड़े दुनियादार ने उन्हां नूं ताने भी मार लए। उन्हां बड़ों नाखना लाए अगे होर थोड़िया थावां आईयां महफलां वास्ते, हुण तुसीं इत्थे शुगल हुंदा इत्थे भी महफल रख छड़िए। किसे कोई गल करनी है, किसे कोई करनी है, ते भाई साहब मुर्शिद फरमांदे ना ताने मेणे साणे पौंदे, ते कीते कौल निभाणे पौंदे ने। ए मुड़ कुछ ते बर्दाश्त करना पौंदा है, यार दे नां दे रोड़े भी पौण ते जल लईदे ने। जी तवज्जो है भाई साहब। जनाब हजरत साहब थोड़ा जहा मैं जरा सुर लाऊंगा, एक शेर पढ़ूंगा, मैं याद आ गए नाले ना जौक ताजा हो जाए। तुसी जरा ना उत्थे राखी इनू उत्थे बटना दे हाथ रखिया एक करी सुभान अल्लाह को भाई साहब। अल्लाह अकबर, ता ही ते किसे गल कीती है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा जोली पा लिए थले सुटी ना, जेकर यार देना मदी मिले सोली झूठा ले लिए पिछा हटी ना। झूठा भी लेना पवे यार दे ना दा तो ले लेना चाहिए, उदो ही तो पता लगना है पक्का हा के कच्चा हा। जी तवज्जो है भाई साहब। तो रोकने वाले का काम है रोकना, ते नाले जे चंगे सारे सीधे हो के टुरदे रहन ते शैतान दे जम्मण दा की फायदा होए। जी तवज्जो है जी। अजे सारे सीधे होए रहन ते इन्हें जमने का की फायदा, इन्हें अपने वाली वाह लांदे रहनी है, रहमान वाले अपनी लांदे रहन। जी तवज्जो होइए ना भाई साहब। तो इस वास्ते ये बड़े कर्मा वाले बंदे ने, जिन्ना इस खूबसूरत रंग नू अपनी असल की तरफ लौटाया है। ए जो रूहानी बरकत आई वो इस चीज़ ची तुहानू नसीब होनी, इन्होंने थानू उस शैतानी वसवसे तू हटा के रसूलुल्लाह दे दीन दी असल मगज़ दी तरफ लैके आए ने कि भाई साहब वलियां नू ना ढोलां दी लोड़ होंदी, ना थोड़िया घड़ोलियां दी लोड़ है, ना थोड़िया चादरां दी लोड़ है, ना थोड़िया धागियां दी लोड़ है, ना किसी लून दी लोड़ है, ना किसी शरबत दी लोड़ है। वलियां नू तुहाडे जिक्र दी लोड़ है। वलियां नू चाहिए तुसी कुरान पढ़ो। वलियां नू चाहिए कि जो उन्हां वास्ते कोई देना है तो देख पका के उन्हां दे नां दा सदका करो, ताकि उन्हां नू उन्हां दा अजर मिले। अल्लाह दे वली कोल जाके धमाल मारने की लोड़ नहीं होंदी, अल्लाह दे वली कोल जाके आजी और इनकसारी नाल बह के अल्लाह दा कुरान पढ़ के उहदी रूह नू ही साले सवाब करी दे, और उहदा बदला तुहानू अल्लाह अता फरमाएगा उस अपने नेक बंदे की बरकत नाल। अल्लाह फरमांदे ने जदों बंदा कोई मेरा होए ना जिस मैं राजी कीता होए, तवज्जो है ना जी, जिस मैं राजी कीता रब फरमांदा है मैं उहदे हाथ बन जाना। हाय बोलो तो सही आ, हदीस कुदसी सुना रहा, मैं उहदे हाथ बन जाना, उहदे पैर बन जाना, उहदियां अखां बन जाना, उहदी जुबान बन जाना, उहदे कन्न बन जाना। अल्लाह फरमांदे ने महबूब सुनिया इन्हां नूं दसो जिहड़े मेरे होए ने ना बोलदे होंदे ने पिछे ताकत रब दी होंदी, हाथ उन्हां दे नजर आ रहे होंदे ने पिछे ताकत अल्लाह दी होंदी, उन्हां दे हाथ जे उठते पे होंदे ने ते रब दी बारगाह चो पहले ही कबूलियत दा शिकार हो जांदे। इस वास्ते अल्लाह वालियां कोल जाईदा है भाई साहब, क्यों
अल्लाह दे वो प्यारे होंदे ने ते रब नूं उन्हां प्यारियां नाल बड़ा प्यार है। अल्लाह अपने प्यारियां दी मोड़दा नहीं, अल्लाह अपने प्यारियां दी सुणदा है। ओए असी गुनाहगार ते बदकार ते गंदे लोग हां, साडे कोल दुनिया दी हर तरह की गलाजत हो जाती है, लेकिन जेडे अल्लाह दे प्यारे होंदे ने अल्लाह दी बारगाह तौबा करके एक थां ते फथली मार के उन अल्लाह भी राजी किया होंदा है, रसूलुल्लाह नूं भी राजी किया होंदा है। तेरा फरमांदा है जेड़ा मैनू ते मेरे रसूल नूं राजी करे उहनां वास्ते इनाम एवे, मुड़ जेड़ा जेड़ा उहनां दी दहलीज ते आउंदा जाएगा मैं उहनां नूं भी फायदा ता फरमांदा जावांगा। चार दर्जियां दी लोगां दा जिक्र, नबी, सिद्दीक, शहीद, सालहीन यानी अल्लाह दे वली जिन्हां दा जिक्र तुसीं और मैं करन वास्ते बैठे हां, इन्हां चौहां दा जिक्र करके अल्लाह फरमांदा है इन्हां अल्लाह दी भी इताअत कीती है, रसूल अल्लाह दी भी कीती है, इस वास्ते इन्हां चौहां दर्जियां दे लोगां ते मेरा इनाम आया है, इनाम दे हकदार ने। रब आंदा है उंजे किड्डे सोहणे, हसना उलाई का रफीका। अल्लाह फरमांदा इंज दे यार ते किसे दे लभणे ही नहीं, एडे सोहणे यार जिन्हां नूं रब सोहणे आखे। बंदे भावे नाम ही आखण ते बंदियां दी आखण नाल कड़ा मोर लगनी, रब जू पहनदा वा बड़े सोहणे ने, ते सिर्फ सोहणे नहीं रब आंदा यार ने, ये रफीक ने, साथी ने, किड्डे सोहणे साथी ने। भाई साहब जे किसे दाखला लैणा है ते इन्हां साथियां नाल ले लो, इंशाल्लाह। नबी पाक सरकार दी मैं पढ़ रहा सी, हुजूर जदों शफात करनगे ना गुलामां दी, बस ये उत्ते मैं अपनी गुफ्तगु नूं इख्तिताम कर देंगा। सुभान अल्लाह। हजूर जदों मैदान हशर लगेगा ना भाई साहब, तो सब जनती जन्नत दा परमंट लैके जन्नत दे दरवाजे अल सफर कर रहे होंगे। अगे अगे मेरे पाक नबी दी उम्मत होनी, बाकी सब पिछे होंगे। जन्नत दे दरवाजे अगे होंगे, तवज्जो है जी, दरवाजा बंद होएगा, जनती सारे वेखणगे भी परमण ते जन्नत ही आया। ए परवाना, अरे सनद पास होके आया, मिली है पाक बारगाह चो, ते हुण बुआ क्यों बंद है? तवज्जो है जी, अजे सोचते पे होणगे ते इदू मेरे महबूब की सवारी आएगी, अजे वो एक दूजे नाल पै चेमन गुई करते हो, एक दूजे ने पूछणगे वे भाई साहब है सनद तो वही है, तो जन्नत का दरवाजा भी वही है, नंबर भी वही है, आए भी ठीक थान थे, बंद क्यों है, खुला क्यों नहीं, ऐदू मेरे हजूर आ जाएंगे। तवज्जो है जी, तो सरकार वेखणगे उमती खलोते ने जन्नत का दरवाजा बंद, हजूर फरमाणगे क्यों खलोते हो, अर्ज करनगे सोने हुण करिए की, जन्नत दी टिकट भी डी गई है, मुड़ भी बुआ नहीं पिया खुलदा। तो हुज़ूर फरमांदे ने अना अव्वलो युहर्रिको, तवज्जो है भाई साहब, अना अव्वलो युहर्रिको हलकल जन्ना, मेरे हुज़ूर फरमांदे ने मैं वो पहला होवांगा जेड़ा दरवाजे नु हाथ लावेगा। तो सरकार फरमाणगे खोल, ओए खोल, हुज़ूर फरमाणगे खोल, सरकार फरमान के मैं वो पहला शख्स होवांगा जिहड़ा दरवाजे नूं हुक्म देवांगा, यफ यफ कहुल्लाहु ली, अल्लाह फरमाएगा खुल जा मेरे यार वास्ते, अल्लाह कहेगा खुल जा। और हुजूर फिर फरमाते ने मैं पहला शख्स होवांगा जिहड़ा जन्नत में दाखिल होवांगा। अच्छा हुण गल अगली सुनने वाली है, जिस मकसद वास्ते तुसीं और मैं बैठे हैं, पूरी तकरीर दा नजोड़ी से जुमले च, या रसूल अल्लाह तुसी कल्ले दाखल होवोगे, बोलो ना, या रसूल अल्लाह कल्ले, हुजूर फरमांदे ने नहीं, माया फुकराउल मुमिनीन, फरमांदे ने कल्ला नहीं, मेरी उम्मत दे सारे दरवेश मेरे नाल होणगे, तवज्जो है, मेरी उम्मत दे सारे फकीर मेरे नाल होणगे। इहदी हुण तफसीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने की, सुभान अल्लाह कह दिओ, हज़रत बाबा फरीद फरमाते ने जदों सारे दरवेश उत्ते इकट्ठे होणगे ते सरकार दे नाल होणगे, जिहड़े हजूर दे उम्मत दे दरवेश फकीर औलिया होणगे ओ हजूर दे नाल होणगे, ते हजूर फरमाणगे मेरी उम्मत दे सारे फकीर मेरे नाल आ जाओ जन्नत दे दाखल होइए,
एदू सरकार दरवाजा खुलेगा जन्नत दाखिल होएगा आने लगे। एक फकीर बोलेगा या रसूल अल्लाह असी तुहाडे नाल जुड़े कोई साडे नाल भी जुड़े रहे है। बोलो ना भाई साहब। बाबा फरीद फरमाते ने कोई साडे रंगा दरवेश उठ किरत करेगा सोने आ असी ते तुहाडे नाल जुड़े है निस्बत लगी आई सन ते नाल ले जांदे हो कुछ साडे नाल भी आए। मेरे पाक नबी अली सलातो वसलाम फरमान गए फरीदा तेनू मैं ले जाना ते जेड़े जेड़े तेरे नाल सुथरे ते खरे जुड़े रहे ने तेरी इजाजत ते सद ले तू उन्हां नूं नाल लै जन्नत दाखल हो जा। कल्ला फरीद नहीं फरीद मुस्तफा नाल जुड़े है और फरीद नूं इजाजत बारगाह नबवी च मिली है। फरमाया फरीदा मैं तेनू ले जाना जा तेनू मुहम्मद अरबी की इजाजत है जेड़ा जेड़ा तेरे नाल जुड़े है सद मार तू मेरे नाल दाखिल होएगा तेरे नाल जन्नत रह के दाखिल हो जाए। भाई साहब आ फकीर को लभदा जे असीं कुछ लभ लईए जे कुछ लैणा होवे ऐ दरवेशां दी संगत च मिलदा है। तवज्जो है भाई साहब आप सुभान अल्लाह कह दिओ। मेरे इमाम बरेली वाले बोले ने इत्थे इस गल ते सुभान अल्लाह कह दिओ। अल्लाह अकबर ताईदारे बरेली बोले त्या फरमांदे ने सुनते हैं के माशर में। तवज्जो है भाई साहब जिन्होंने आंदा रल के पढ़ लिया हाजरी वास्ते अकीदत नाल पढ़िया पता नहीं किंदे मुँह च निकलिया कबूल हो जाए नाले फकीर दी बार गए बैठे हो साइया की भी नज़र है तो साइया की नज़र होंगी उन्होंने जेडे नज़र चौना चाहन तो नज़र इच ही रहना चाहिए नज़रों बहर बंदा ठीक नहीं आता जी। हाँ जी जेड़ी बकरी वाड़ियों निकली वह बग्याड़ा जोगी उस बकरी की भी भाई साहब कोई वाली वारस नहीं होंगी जी अयड़ तो वक्री हो जाए उन्होंने बग्याड़ खा जाते थे। फकीर का बूआ जोड़ा होंगे ये मेरे आस्ते इन्हों का साया रवे तो असं इन्हों के साए थले रवीए तो इंशाला सही मंजिल ती अपड़ जाएंगे क्योंकि इन्हों की पिछों मदद उसी ना अल्लाह वाले दी। सुनते हैं के माशर में सिर्फ की रसाई है सुनते हैं के माशर में सुनते हैं के माशर में सिर्फ की रसाई है अगर की रसाई है अगर की रसाई है तो बात बन आई है सुनते हैं के माशर में। अल्लाह दे नबी तो सिवा ते भाई साहब कोई भी हैगा नहीं ले जा सकता हजूर दे सदके जनतियां आस्ते दरवाजा खुलना उत्थे रसाई उन्हां दी पुकार उन्हां दी सुननी है जिन्ना सिर सजदे च रख के तुहाडे मेरे आस्ते आखना रब्बे हबली उम्मती लेकिन उन्हां आस्ते जिन्ना उम्मती बनन दा अहम किरदार अदा कीता एवें ना ना मड़े रवि मूह मोमना ते करतूत काफर तवज्जो है जी। उत्थों असी बड़े मोमन हाँ विचों असी बड़े वड्डे मुनाफक उत्थों जी बड़े मोमन हाँ विचों बुगद नाल सीना भरिया उत्तों असी जनाब चेहरा भी बड़ा मोमन वाला बनाया अंदरों असी अब्दुल्ला बिन उबई जिहा किरदार रखिया तो फिर ऐसे आस्ते तां जन्म का निचला दर्जा सात दर्जे ने जहन्नम दे उत्थे काफरां दा भी ठिकाणा नहीं होना भाई साहब जिथे मुनाफकां दा ठिकाणा है। जन्नत दा सारियां जहन्नम दा सारियां तू डूंगा जिहड़ा हिस्सा है ना उत्थे मुनाफकां वास्ते जगह रखी अल्लाह ने उत्थे मुनाफकां नूं सटणा सी लग पता जा सी उदों उस दिन आकड़ ते मगरूरी सब मुक जानी तेरी जिस दिन पाक मुहम्मद क्या ए नहीं उम्मत मेरी फिर तेनू चानण हो जाएगा तेन चिट्टे लग समझ जाएगी कि दुनिया ते अपनी मर्जी इत्थे हुण साइयां दी ए ते जिस जुनी दुनिया ते अल्लाह ते रसूल अल्लाह दी रज़ाए च गुजारी उत्थे विरोधी चलणी क्योंकि परवाना मिलेगा ना। इकबाल फरमाते ने इकबाल कलंदरे लाहौरी फरमाते ना कि मुहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। फरमाया करी तू रसूल अल्लाह दा हो के वेख
एक करी उन्हां दी दहलीज ते सर रख के वेख कमलिया, एक करी पाक नबी दी बारगाह च अपने आप नूं पेश करके वेख। फिर जो सुबह क्यामत आएगी, क्यामत दा पुरत पाक मंजर आएगा, सवा नेजे ते सूरज ते तपदी तरामे दी जमीन ते नफसी 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 दियां सदावां इक्को ही ते हबीब होणा है। सारिया उम्मत सारे नबिया को हजरत आदम तो लैके ईसा तक सारे को जाएंगे। नबी आखन गए लस्त होना ईसाबू इला गईरी, लस्त होना ईसाबू इला गईरी, जाओ ऐसी कुछ नहीं कर सकते किसी और को जाओ, लस्त होना ईसाबू इला गईरी। मेरे महबूब को लाओगे तो हजूर कलावे खोल के फरमान गए अना लहा उम्मती अना लहा उम्मती अना लहा उम्मती। जिस हबीब तुहाडे आस्ते उस वेले भी कलावे खोले होने ने, आया कमीनिया बंदा बन उस यार दे हुकम ते खलो जा, कल नू रब तेरे हाथ च लाहौर कलम फड़ा के आखेगा तू मेरे हबीब दा उम्मती बनन दा हक अदा कीता है, ले मंजिल तू लिख ठिकाणा जेड़ा लिखेगा रब तेनू उस थां ते फड़ा देवे। शफात कुबरा हजूर ने फरमानी है, तवज्जो है भाई साहब, शफात कुबरा हजूर ने करनी है, शफात सुगरा अल्लाह दे वलिया ने करनी है, हुफाज ने करनी है, जलीलुल कदर उलमाए किराम ने करनी है, औलिया सालेहीन मुफस्सरीन जितने भी ये बुजुर्ग दीन दे खुदाम ने उन्हां वास्ते शफात सुगरा दा उन्हां नूं हक दिता गया। क्यामत वाले दिहाड़े काफ़िज़े कुरान जदों गुजरेगा ना पुरसरात तों, हदीस पाक सुनिए, रसूलुल्लाह सरकार दा गुलाम हाफिज़े कुरान गुजरेगा तो उसके पिंड का बंदा उन्होंने सियाण के आखेगा थले जहनम की अग भी बढ़ती है पुलिस रात के थले, हाफिज़े कुरान उतो गुजर रहे, एक कलमे दीन उतो गुजर रहे, एक साहेबे शरीयत उतो गुजर रहे, उसके सर ते इमामा शरीफ होएगा तो थलू जो जहनम में सड़ रहा होगा सियाण के आखेगा हाफिज़ साहब साड़ी भी सियाण करो, भाजी साड़ी सियाण करो, असी उही हैं जिन्हों तुहानू प्यास लगी सी, अल्लज़ी सकीतो का शरबतन याद करो सियाण करो, जो सन तुहानू प्यास लगी सी ते एक गिलास पानी दा सां भी तुहानू पिलाया सी, अज असी सड़ रहे हैं प्यास की शिद्दत जां साडी मदद करो। मेरे पाक नबी फरमाते हैं फिर वो आलमे दीन वो हाफिज वो कारी वो दीन दा खादिम अपने सर तू अमामा ला लवेगा, की करेगा अमामा ला लेगा, ला के जहन्नम दी उस तपदी अग च लटका देवेगा, जहन्नम दी तपदी अग च जिहड़ी बंदियां नूं पिछाड़ दी उस। हजूर फरमाते ने उस अमामे दे नेड़े जहन्नम दी अग नहीं आएगी। और फिर जितने लोग उस इमामे नूं फद लैणगे रसूलुल्लाह दा खादिम पुल सरात तो गुजरदा होया खिच के उहनां नूं जहन्नम दी अग चों कढ के जन्नत च लै जाएगा। शफात सुगरा अल्लाह इन्हां रुतबे दे तौर ते इनाम दे तौर ते रखिए। और ओही गल जिहड़ी बाबे फरीद की थी कि या रसूल अल्लाह असीं ते सारे तुहाडे नाल कुछ साडे नाल भी आए उन्हां दा की, पर माया जिहड़े मेरे नाल आए ओह मेरे नाल ने ते जिहड़े तुहाडे नाल आए अगर सद मार लो जिहदे जिहदे अपड़ गया जिहदे जिहदे इशारा करोगे उन्हां नूं भी जन्नत तुहाडे वसीले नाल अल्लाह देंदा जाएगा। तो भाई साहब यह दीन मुस्तफा दा ये जिस जिस भी ये अपने दिली तौर पर खलूस नीयत नाल जिंदे को पैसे ने वो हजूर दे दीन आस्ते पैसा खर्च कर, जिंदे को अपना वक्त है कीमती वक्त कम कार छड़ के कदी हजूर दे दीन दी महफल च कदी दीन आस्ते वक्त कढ़ के आके बह के हजूर दे दीन सुनिया करो, उन्हां दा वक्त दीन वास्ते देना यह भी एक कुरबानी है, जे किसे पैसा दिता है पैसा देना दीन वास्ते कुरबानी है। तवज्जो है जी, जिस पुत्र नूं तुसीं समझदे हो भी वड्डा डॉक्टर बन सकदा है, मैडिकल दा बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकदा है, बड़ा ज़हीन फतीन है, उन्हूं हजूर दे दीन दा डॉक्टर बना दिओ, उन्हूं हजूर दे दीन वास्ते भाई साहब पेश करो, इस तों वड्डी होर कुरबानी है ही कोई नहीं। ओए हुसैन पाक ते अपने पुत्रां नूं दीन वास्ते एक भी नहीं रखिया, जो दीन बूहे ते दस्तक दी है ना आके मेरे मुर्शिद दे दरवाजे ते दीन पे बोल के आंदा हुसैन सोने तेरे
तेरे घर दे बच्चों की कुरबानी जे होवे ते मैं बचना। दीन दस्तक दी है हुसैन दे दरवाजे ते कि हुसैन जे तेरा खानदान कुरबान होए ते मैं बचना, मेरी आन ते शान महफूज होंदी है। हुसैन पाक फरमाया दीन दीने मुहम्मद अरबी हुण आए ते सखियां दा गारी ए तू केड़ा हट के गया है। आज जे दीन पूरे ही आ गया है अगे दीनदार आउंदे आए बोलो ना अगे कोई आसमानी आउंदे आए या जमीनी आउंदे आए। ए तू जेड़ा आया जिस वेले आया जिस वक्त आया खाली नहीं गया जी, आज पूरा दीन ही आया है ते सुबह क्यामत तक दुनिया मुड़ याद रखेगी दीन नू बचाण दा साईयां हक अदा कीता या नहीं कीता। तू एक पुत्र मंगया है ए दीने मुस्तफा मैं अली असगर भी वारांगा, मैं अली अकबर भी वारांगा, मैं ओनो मुहम्मद भी वारांगा, मैं कासिम भी वारांगा, मैं अबू बकर भी वारांगा, मैं उस्मान भी वारांगा, मैं गाजी अब्बास भी वारांगा। जे दीन इत्थे तई गल ना रुकी ते सजदा मेरा होएगा, आन ते शान तेरी होएगी, सर मेरा होएगा, खून मेरा होएगा, दीन बुलंदी तेरी होएगी। जे तू अगामी किसे हाथ देखने की कोशिश की ते नेजे उन्ना यजीदियां दे होंगे, सार मेरा होएगा ते सारे च दीन दी बुलंदी होएगी ते लबां ते कुरान चल पड़ेदा होया होएगा। दीन बुलंदी तेरी होएगी हर मकाम ते हर थां ते दीने मुस्तफा तेनू बुलंद करदा रहेगा। जे नेजे ते भी तेरे बुलंदी दा मैनू कुछ करना पिया धड़ तू बगैर भी तो पिछा नहीं हटांगा, धड़ पिछा भी रह गया तो दीन तेरे आस्ते बोलदा रस। मैं दसो केड़ी मां दा पुत्र ऐसा कारी पंद्रह सदियां च आया जिदा धड़ पिंड च पिया होवे ते सार कदों पिंडू बाहर होवे ते उह बोलदा होवे। तवज्जो है जी, इत्थे ते धड़ नाले हुंदे ही ने ते मुड़ नहीं बोलदे, बुलावीए भी ते कहीं नहीं बोलदे। तवज्जो है जी, आ दड़ा समेत बैठे तो नहीं बोल रहे। मुड़ हुसैन की अजमत नूं लखां सलाम नहीं, जिन्हां दड़ करबाले च सर शाम ते दमिश्क दियां बाजारां च। एक नुक्ते की गल सुन लो, आ गई हुण सुन लो बस, ये उत्ते गुफ्तगू वाइंड अप कर रहे हैं जुमले उत्ते, एक बार तवज्जो नाल सुभान अल्लाह कह दिओ। ए फकीर का जुमला सुनो, मैं ना वाह हुसैन सुनया, जिमें तू सखावत कर भी खाई है ना, इवें किसी भी मां के पुत्र आई तई कर नहीं भी खाई। सवाल करो शाह जी किवें, मैं क्या जे हुसैन की सखावत शाके जेड़ा मदीनियों निकलिया सारे तो औखा काम आ उतों निकलना, किसी आशक न सच हो शक हो करी दिहाड़िया का राउंड मदीने ला आवे तो जो उस ना आखिरी दिहाड़ यजीदियों के चेहरों पे लानत बेशुमार खौफ तारी है। अरे कट गया हुसैन का सर फिर भी कुरान जारी है, अरे यजीदी फौज का हर एक नौजवान शर्मिंदा है, अरे यजीदी फौज का हर एक नौजवान शर्मिंदा है। हमने तो काट डाला था तो फिर भी जिंदा है, फिर भी जिंदा है। क्या बात है, हाँ जी इहदे उत्ते मैं भी पढ़ देना जी। सरे हुसैन पढ़ रहा था कुरान नेजे पर, सरे हुसैन पढ़ रहा था कुरान नेजे पर, यजीदी सोच में गुम थे कि फिर कटा क्या है। जी भाई साहब थे मैं गल कर रहा कि हुसैन की सखावत जरा गौर न सुनना, इस जुमले उत्ते फिर गुफ्तगू वाइंड अप हो रही है। सखावत सुनिए अली दे पुत्र दी, मैं क्या जेड़ा बंदा नहीं मनता एक राउंड मदीने ला आवे तसली हो जाती हो वे आशक दीवाना। मैं वेखा बदा दिहाड़े जरा मदीने रहा है, वह आखिरी रात मदीने चू निकलता किमें,
ਉੱਥੇ ਤੜਪਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫਜ਼ਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਂਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਮਦੀਨੇ ਲਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਏ ਕਿ 14 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਹੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਆ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾ ਲਈ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਡਾਢੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ मैं क्या तू कभी पिंड छड़ खा अपना मर्जी नाल छड़ खा मैं वेखा तू रोना है कि नहीं रोंदा ते तू अपना छड़े तो रोना है ते जिस अपने नाने दा शहर छड़े है जिन्ना वास्ते पूरी जहान दा वजूद बाकी ये वड्डी सखावत आई हुसैन दी दीन वास्ते अपने नाने दे शहर नूं अलविदा आखे अगा टुरे ते मक्के आए ने हजी अकबर दा खुतबा छड़िया इहराम लाया ते करबलाल सफर शुरू कीता नाना दुनिया याद रखे लोग सारी दुनिया तू एराम बन के काबे दे विच आ रहे ने हजी अकबर का खुतबा सुनने वास्ते हुसैन काबे नू छोड़ के नाने दे दीन दी शान बचाने वास्ते जा रहा होया हुसैन करबला गया हुसैन करबला गए ने फिर हकीर इत्थे हो गई कि हुसैन जदों अपना सर नेजे सर जदों कुर्बान कीता सजदे च ते तीरां दी बारिश ते तलवारां दा साया ते नेज़ियां दा मीं ते हुसैन डोलिया ते घबराया नहीं घबराण ते ओ जेड़े दुनियादार होण जेड़े अल्लाह वाले होण उन्हां ते खौफ आउंदा नहीं इन अल्लाह मा साबिरीन अल्लाह सबर आने दे नाल हुसैन दीन वास्ते सर कुर्बान कीता है ये हुसैन दी सखावत आई अपने हत्थां ते अली असगर नूं रखे है दो मूँह वाला जालमा तीर मारिया दो मूँह वाला भाई साहब तवज्जो है ना जी मैं पढ़ कोशिश करना जी मैं एक पढ़ दें जी मैं तवज्जो है भाई साहब एक शेर पढ़ांगा जेड़ा आ गया हाँ जेड़ा आ गया पढ़ देंगा इस जुमले ते आखर ते एक पढ़ देंगे जेड़ा तरतीब नाल आ गया सुभान अल्लाह को तुसी हजरत गिरामी कदर हुसैन पाक दी सखावत दी हद नहीं अली असगर हत्थां ते चाया ते दो मुंह वाला तीर जिंदे नाल अरबी हिरना का शिकार करते हैं जंगल च वो तीर हुसैन दे पुत्र नूं मारिया इन्ना वजन ते अली असगर दा ना जिन्ना तीर दा वजन आ मुड़ उस हुसैन के जिगरे ते बर्दाश्त कुरबान ना जाइए जिस हत्थां ते चाह के इंज जदों तीर लगे तो खून का फुहारा हुसैन पाक दे चेहरा अकदस तू दाड़ी शरीफ ते सीने ते आया तो हुसैन उत्थे सीने नाल ला लिया ते अल्लाह दी बारगाह च हाए वाए नहीं कीती हुसैन आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने पुत्र असगर नूं लिया के अपनी भैन दे अगे जदों रखिया ते भैन भी पुछदी आई भाई मेरे भतीजे की प्यास बुझ गई है ते हुसैन पाक फरमाया बैना हौज़े कौसर दे जाम पीण वास्ते मेरा पुत्र रवाना हो गया है ते इंज करके थले लाश रख के ते हुसैन इंज उंगली दा इशारा करके पे फरमांदे अल्लाह हुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान ले मेरे रब सुनिया जे मेरे नाने दे दीन नू अली असगर दे खून दी लोड़ आई मैं हत्थां ते रख के दे आया तेरा दीन बच जाए मेरे होर पुत्र भी होण ते कुर्बान कर देंगा इस तू अगा कुर्बानी केड़ी है जड़ी हुसैन दी थी इस तू अगा मकाम केड़ा ते सबर ते हौसला केड़ा फिर ओ हुसैन फिर भी हौसले दा सबर दा दामन नहीं सखावत जारी रही है हुसैन अपने पुत्र दीन तू वारदा रहा है हुसैन दी सखावत दा पैमाना एक थां ते लबरेज होया है मेरा एक अपना तजी है लबरेज होया रुकिया नहीं लबरेज होया केड़ी थां ते जदों बेईमाना मुनाफकां शराबियां कबाबियां गुंडियां दे हुजूम विच रसूलुल्लाह दी आल दे उन्हां चमकदियां शहजादियां और उन्हां शहजादियां दियां सवारियां दा दाखला होया ना जिथे गुंडे ते बदमाश शराब दे नशे च धोता है उस बाजार जदों दाखल होए ने ते मेरे पाक हुसैन दी बहन सवारी ते सवार आई ते सैयद हुसैन उत्थे बर्दाश्त मुकी है हाय ज़ालिमो तुसा मेरे औलाद नूं शहीद कीता मैं बर्दाश्त करदा रहा तुसा मेरियां पैना नूं नंगी उठां दियां टेकां ते सवार कीता मैं बर्दाश्त कीता हद हो गई
शर्मो हया दे बाजार टुटरियां हुई सैयद सादियां तुसा इतनी जुर्रत की बेशर्मी दे बाजार च दाखिल करके हुण ऐलान करवा के साबित कर रहे हो कि बागी ने उदों हुसैन दा सारी चू कुरान दी तिलावत शुरू हुई है और हुसैन दी सखावत दा पैमाना लबरेज होया है और यजीदियत नंगी हो गई जदों कुरान दी तिलावत हुई ते हुसैन दा सर बोल बोल के पे दसदा ओए पे ईमानो जड़ा नेजे दी नोक ते कुरान पढ़े वो बागी नहीं होंदे ओ नमाजी होंदे ने। इजाजत नहीं देंदा जे इन्हां हजारां दी धूड़ भी लभ गई सानू रसूलुल्लाह दी आला गुलाम कौन आखदा। हुसैन आखिया ना हुसैन करामत नाल दीन नहीं बचाना करामत नहीं करामत विखाणी होंगी तो मदीने चू निकलन की कोई नहीं लोड़ उत्थे बह के विखा सकते हैं करामत नाल ते बचाण नहीं आए इस्तकामत नाल नाने दा दीन बचाण आया कुरबानी देनी है ताकि आने वाले नूं पता लगे जिड्डा कोई वड्डा रुतबा होवे कुरबानियां ओडियां वड्डियां होंदियां सारा लुबे लुबाब है भाई साहब ए कुरबानी तुसां अज दित्ती है सारे पिंड वालियां रल के अल्लाह तुहानूं इस मकसद ते कामयाबी भी देवे ते कायम ही रखे। ऐ बुजुर्ग ने इन्हों की रूह उन्हों का जो फैजान है वह तुहानूं बुला रहा है कि लोगो दीन दे सही रस्ते ते आ जाओ। ए दीन दी असल मकसद है बुजुर्गों नूं इस चीज़ की जरूरत है इस जरूरत नूं छड़ के जिहड़ियां नहीं जरूरी चीज़ां उन नाल ना जाओ। एक एक बंदा जवाब दे कल क्यामत अड़े दड़े दड़े गिरेबान तू फड़ के पूछा जाएगा हाँ बई बंदिया तेरी जो जिम्मेदारी तो ड्यूटी आई किन्नी कु निभा के आए ढोल ढमके सारे दुनियादारी है भाई साहब फकीरां नाल इन्हां दा केड़ा ताल्लुक है। यह तो हिंदुस्तान का एक कल्चर से सिखां दा जिहड़ा अजे तक तुहाडे विचों नहीं पिया निकलदा सिखू मुसलमान होए हो ना सारे थां वास्ते किसी सत्त नस्ल हुई किसी ने पांच हुई किसी ने छे हुई इन्हां फकीरां की मेहरबानी है जिन्हें तुहाडे बाप दादा नूं कलमा पढ़ा के दीन नाल जिहड़ा मुहब्बत और दीन दे विच दाखल कर छड़े ते इन्हां बजुर्गों का शुक्रिया भी अदा करो और इन्हां ते जो दीनी मकासद दे गए उन्हां ते साबित कदम भी रहो अल्लाह तुहानूं इस अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई साहब तवज्जो है एक शेर सुल्ताने बाहू का पढ़ते हैं किबलाकारी साहब अलामा साहब हुक्म फरमाया है तो यह फिर साढ़े दीन के खादिम ने इनकार नहीं होता मैं कोशिश करके पढ़ देना उंज वैसे है तो औखे ही पढ़न इस कैफियत तुसीं एक करी सुभान अल्लाह जी भाई साहब थोड़ी जिन्नी कु है सारी खोल छोड़ ताकि मैं सौखे होकर पढ़ ला एक करी भाई सुभान अल्लाह आखिया जे सारे अल्लाह अकबर सुल्ताने बाहू फरमांदे ने जे कर दी इलम विच होंदा ते सर ने जे क्यों चढ़ दे अठारह हजार जो आलम आया ते अगे हुसैन दे मरदे ते जे कुछ कर दे हया नबी दा ते पानी बंदना कर दे भाई साहब जे कुछ हया होंदे होने ते पानी कदी भी ना ने बंद करना बेहयावां नूं हया ना आई उन्हां दा नाम मिट गया हुसैन कल भी जिंदा सी हुसैन अज भी इस्लाम की पूरी तारीख जिन्ना जिन्ना दीन ते कुर्बानियां दित्तियां भाई साहब वो अज भी जिंदा ने क्यामत तक लोग उन्हां नूं अच्छे लफ्जा नाल याद रखणगे जिन्ना बुराइयां कीतियां वो बुरे बुरा पा गए जिन्ना अच्छाइयां कीतियां हल जदाओ ले शान इला ले शान नेकी का बदला नेकी है अल्लाह तुहानूं मैनूं अमल की तौफीक अता फरमाए और सानू दीन इस्लाम के उत्ते साबित कदमी नसीब फरमाए। हुण की रह गया जी केड़ा सुनना है अल्लाह अकबर
मियां मुहम्मद अरफे खड़ी बोले त्या फरमा गए कुल नबी मोहता जी ना दे ते ओ सरताज तमाम आल समेत मोहम्मद बख्शा ए होण दरो सलाम वमा अलैना इल्ला अल बलागुल।